दोस्तों आगे वीडियो में आप आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की सीधी भिड़ंत देखेंगे, जिसमें संजय सिंह सुपर फास्ट तरीके से मैडम अंजना ओम कश्यप की बिना साबुन से धुलाई कर रहे हैं। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार जमानत मिल गई और उन्होंने आते ही गोदी मीडिया के एंकरों की धुलाई करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया की स्टार एंकर अंजना संजय सिंह को भारी भरकम सवालों में उलझाने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन गोदी मीडिया के बड़े से बड़े एंकर से संजय सिंह निपटना अच्छे से जानते हैं। आगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखेगा। संजय सिंह ने लास्ट में अंजना ओम कश्यप को शानदार धोते हुए गोदी की बोलती बंद की है, वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलेगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। संजय सिंह जज साहब है ना, संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछो इन्वेस्टिगेशन, पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आता हूं, पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है, आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज है। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है अगर, तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान सरद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं उसको छिपाया क्यों? तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है, एकदम ठीक आपने कहा। मैं आपसे कहता हूं, आप कहती हैं भाई न्यायालय से न्याय नहीं मिला, नहीं नहीं, तो नहीं कहा बेल नहीं मिलेगा, ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट से कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया ये नहीं होता है अंजना जी। पर आपने तो सही बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे, निकलेंगे हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है शरद रेड्डी की, 10 नवंबर की गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस केजरीवाल आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है, बहुत अच्छा 66%, ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है, 3 हिस्से हैं इसके। दूसरा 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को, बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा जी। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना अंजना जी, पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है ये भी उनको पता है, उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे, उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा दिया सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं, वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको भी बताइए ना। मनगुंडा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं, वो एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं, आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की, वो मुद्दा है, वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की, ये आरोप है। ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रही है, क्या ये सच है? इसके पीछे भी सवाल है, अब आप आ गए हैं बाहर तो आप काम संभालिए, क्यों ऐसी मुश्किल में डालना है सरकार? तो कहां मुश्किल में है, तो कौन से कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, किस किस प्रकार से मुश्किल में है कैबिनेट की बैठक कैसे? देखिए अंजना जी, भाजपा की चालबाजियों को राजनीति को हम लोग खूब समझते भी हैं और उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा, और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का।
देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा चार किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। चाहे वो तीनों ही, मतलब चाहे वो मनगुंटा रेड्डी हो, राघव रेड्डी जिनकी आप उनके बेटे की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनिवासलु रेड्डी हो, चाहे वो शरत रेड्डी हो, राघव मनगुंटा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं, फिर ये क्या वैलिड नहीं? देखिए अंजना जी, 6 महीने हो गया जेल में, और उसके बारे में जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खुद समझ लिया, पीएमएलए दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। और किसी सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। मैंने लेकिन आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में, तो इन लोगों को भी मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं पढ़ के सुनाऊं, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट को करने देते हैं, वापस आते हैं। देश की सशक्त जांच एजेंसी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको लगता है 2 साल हो गए और आपने 1 रुपए मनीष सिसोदिया के यहां बरामद नहीं किए, 1 रुपए आपने अरविंद केजरीवाल के यहां बरामद नहीं किए, एक कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, कहीं कोई उनका कोई इतना बड़ा आपको आडंबर और वो देखने को नहीं मिला कि करोड़ों रुपए यहां जमा किए हों, ये गड्डियां मिल रही हों, और संजय सिंह के यहां कुछ नहीं मिले और गिरफ्तारी सबकी होती जा रही है, तो सबूतों के साथ मेल कहां कर रहे हैं बयान? भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने कहा आपने तो मैं एजेंसी का इस पर पक्ष रख दूं आपके सामने। आपने बिल्कुल एजेंसी का पक्ष क्या है? 164 में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने का बयान होता है, हाँ, माना जाता है फ्री विल में स्वतः दे रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप, सेक्शन 50 का जो बयान होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सेक्शन 50 का बयान मुझसे लिया गया अंजना जी, तो मैं अपना फिर नहीं बोलता हूँ, चलिए जिससे भी सेक्शन 50 का बयान लिया जाता है उसको ये बताया जाता है ईडी के द्वारा, जिससे भी लिया जाता है, और आप चाहे ईडी के अधिकारियों से कंफर्म कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो उसको ये बताया जाता है कि देखो अगर तुमने सेक्शन 50 में कोई गलत बयान दिया तो ये प्रावधान है कि तुम्हें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये प्रावधान है सेक्शन 50 का, आप ईडी के अधिकारियों से भी कंफर्म कर लीजिएगा और किसी वकील से भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो 7 बयान जो मंगुट्टा रेड्डी के आते हैं ईडी के सामने, उसमें से 6 बयान पे सेक्शन 50 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके 6 बयान को गलत मान के उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले तुमने केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बताया? कोर्ट को ये सब बता रहे हैं ना आप लोग, अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समीर महेंद्र को इच्छा कीजिए, समीर किसी सबूत से कोई बयान मेल नहीं खाएगा। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिल चुकी है, अब तक एलजी साहब ने भाजपाइयों के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू कराई? मुझे इस पे आश्चर्य है, सिर्फ 4 बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है, राघव रेड्डी, मंगुंटा रेड्डी, शरद रेड्डी, श्री अरविंद, बयान कुल दोनों एजेंसियों के सामने कितने हुए? 456 गवाहों के बयान, और इन 4 बयानों को भी जबरन जेल में रखकर 6 महीने जेल में रखने के बाद लिए गए, और इसके पहले भी इन्हीं लोगों ने, एक ने बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और दूसरे ने 12 बयान दिए, और 11 बयान दूसरे शरद रेड्डी के छिपाए गए और 8 बयान बाप बेटे के उधर छिपाए गए। जो ये मनगुंटा रेड्डी वाला एंगल है उसी में आखिरी सवाल ये जो लिखा, अच्छा वो प्रधानमंत्री की फोटो लगा के वोट मांग रहा है, भाई ऐसे आदमी को क्यों आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी फोटो? अब तो क्लियर है ना अंजना जी, आज की तारीख में तो क्लियर है ना कि वो शराब का, आपने लिखा ना किंग पिन, हमने तो नहीं लिखा।